everyone, this is Dee Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. And आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन पर हमारे प्रोजेक्ट फ्यूजन दी ब्रूक एंड रिवले में. एंड ये रहेगी आपकी प्रोजेक्ट की साइड. आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं. प्लस आप प्रोजेक्ट के सामने देखिए तो यहाँ पर आपको 350 मीटर का यहाँ पर फ्रंट मिल जाता है. ये जो सामने आपका ये बेल्ट आपको दिख रहा है ग्रीन बेल्ट, यहाँ पर इन फ्यूचर एक कमर्शियल एरिया आएगा. प्लस आप कमर्शियल एरिया के पीछे आप देखें तो यहाँ पर HP का पेट्रोल पंप भी है. साथ ही साथ हम कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. NH24 आपका यहाँ से अराउंड 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. ताज एक्सप्रेस भी आपका अराउंड 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. उसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस भी आपका यहाँ से अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. साथ ही साथ इन फ्यूचर यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आने वाली है. अपकमिंग मेट्रो स्टेशन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगा. 500 मीटर के डिस्टेंस पर मेट्रो स्टेशन की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है. नियर बाय प्लेसेस एंड हॉटस्पॉट्स की बात करूँ तो गौर सिटी मॉल आपके यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है. साथ ही साथ 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर 4 मेजर स्कूल्स मिल जाते हैं. एजुकेशन हब बिल्कुल नजदीक है. प्लस प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर DPS स्कूल भी है. उसके साथ साथ रोड क्रॉस करते ही आपका नॉलेज पार्क है, वो भी आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर है. उसके अलावा योटा डेटा सेंटर वो आपके यहाँ से अराउंड 2-3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. दैट मीन्स आपको IT सेक्टर भी यहाँ पर नजदीक में मिल जाता है. सो ओवरऑल कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी है. लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है. एंड अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ एंड वहाँ जाके हम इसका एक सैंपल अपार्टमेंट देखेंगे. प्लस आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन दी रिवले को. ब्रूक आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ब्रूक एंड रिवले में. तो ब्रूक आपका कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रिवले डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड दी प्रोजेक्ट. And guys, now let's discuss this project Fusion the Brook and Rivule. So basically, pura project aapka 12 acre ke land patch mein hai. It's a fully paid up land. And project ko 2 parts mein divide kiya gaya hai. The Brook and Rivule ke naam se. Brook aapka 5 acres pe rahega. And yahan par abhi 3 towers launch hue the, jisme sari inventories sold out ho chuki hain. And Rivule aapka rahega remaining 7.5 acres mein. And abhi yahan par inventories baki hain. फ्यूजन द ब्रूक में वहां पर आपकी 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स की इन्वेंटरीज थी व्हिच आर कंप्लीटली सोल्ड आउट एज आई टोल्ड यू. एंड रिवले में आपकी रहेंगी 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स इन दी बिलो मेंशन्ड साइजेस. प्लस अगर ग्रीन एरिया की बात करूँ तो इंटायर प्रोजेक्ट में आपका 70% ग्रीन एरिया रहेगा. एंड रिवले अकेले में आपका 2.5 acres में ग्रीन एरिया रहेगा. आपका ओपन एरिया रहेगा जिसमें सारी अमेनिटीज प्रेजेंट रहेगी. क्लब हाउस की बात कर लेते हैं तो क्लब हाउस आपका रहेगा 30,000 स्क्वायर फीट के साइज में. ये आपका जिम प्लस 3 की हाइट के साथ रहेगा. एंड यहाँ पर आपको इंडोर जिम मिल जाता है. सारे इंडोर गेम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे. बैंकेट हॉल बनेगा. टेरेस पे आपका गज़ेबो बनेगा. आपको सिटिंग एरियाज रहेगा. स्पा एंड सोना यहाँ पर रहेगा. प्लस उसके साथ साथ स्विमिंग पूल भी प्रेजेंट रहेगा. सो ऑल द प्रीमियम अमेनिटीज आर प्रेजेंट इन दिस प्रोजेक्ट. टावर्स की बात की जाए तो ब्रूक में 7 टावर्स हैं इन टोटल एंड आपके रिवले में रहेंगे 10 टावर्स इन टोटल जिनकी हाइट रहेगी S+24. यहाँ पर बेसमेंट में आपकी पार्किंग रहेगी. पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड आपके सरफेस पे व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगी. सीधे आपकी बेसमेंट में पार्किंग रहेगी. प्लस प्रोजेक्ट में आपकी 2 एंट्री एंड एग्जिट गेट्स रहेंगे जहाँ पर आपको 3-tier सिक्योरिटी मिलती है. पूरा प्रोजेक्ट आपका 3-साइड ओपन प्लॉट पर बना हुआ है जहाँ पे आपको सामने 350 मीटर का फ्रंट मिल जाता है. एंड ये आपका 130 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड है. प्लस आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही सामने कमर्शियल बेल्ट है जहाँ पे कमर्शियल एरिया आएगा. एंड बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर HP का पेट्रोल पंप भी है. एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आपका माइवान फ्रेमवर्क पर बना हुआ है एंड इसका पोजेक्शन रहेगा 2026. गाइस आप मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट आप देख सकते हैं. ये आपकी एक्चुअल साइट है. कंस्ट्रक्शन काफी जोरों शोरों से चल रही है. यहाँ पर 2026 तक ये प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली डिलीवर हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे टावर्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं. 3 BHK का टावर रहेगा. उसमें एक फ्लोर पर आपके 6 अपार्टमेंट्स रहेंगे विद 3 लिफ्ट. एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स आपके एक फ्लोर पर सिर्फ 4 रहेंगे विद 2 लिफ्ट्स एंड स्टेयरकेस. साथ ही साथ प्रोजेक्ट में कमर्शियल एरिया भी है जहाँ पे आपके अराउंड 60 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी. वहाँ पर आपका डेली नीड्स का सामान मिलेगा. उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट की एक मेजर USP ये है कि यहाँ पर आपको टावर के ऊपर पे टावर के टेरेस एरिया में यहाँ पर आपको टेरेस गार्डन मिल रहा है जहाँ पर आपके गज़ेबोस रहेंगे, को वर्किंग स्पेसेस रहेंगे एंड आपके सिटिंग एरियाज रहेंगे. सो इन क्लोज फैसिलिटी ये
ये चीज कोई और प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको टावर्स के ऊपर टेरेस गार्डन मिल रहा है, दैट इज द मेजर यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सैंपल अपार्टमेंट। इट इज अ 3 BHK सैंपल अपार्टमेंट द साइज ऑफ 1545 स्क्वायर फीट। एंड हियर इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द सैंपल अपार्टमेंट। यहाँ पर आपका 8 feet टॉल वुडन डोर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सैंपल अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जो भी आप मूवेबल आइटम्स देखेंगे वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। एक्चुअल अपार्टमेंट आपका अनफर्निश्ड अपार्टमेंट रहेगा। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। यहाँ पर 8 feet टॉल आपको डोर मिल जाता है। देन जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको सीलिंग हाइट 10.2 की मिल जाती है, विच इज वेरी अमेजिंग। सो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सीधा आपका लिविंग एरिया मिल जाता है। सो दिस इज द लिविंग एरिया, very spacious living area. And next to the living area is the balcony area. यहाँ पर आपको private balcony मिल रही है attached with the living area. So proper cross ventilation होता रहेगा. And next to the living area is the dining area. So this entire space is the dining area. And dining area के बिल्कुल ही adjoining, बिल्कुल ही सामने रहेगी आपकी kitchen. So let me take you there. And this is your very beautiful L-shaped kitchen. The actual kitchen will be the unfurnished one. यहाँ पर आप अपने इसी तरीके से cabinets लगा सकते हैं, lower cabinets का आप यहाँ से idea ले सकते हैं। And kitchen में भी आपको बहुत ही अच्छा size में utility area मिल रहा है। I mean इतना बड़ा utility area I have not seen in any apartment. This entire space is the utility area of this kitchen. काफी ज़्यादा अच्छा size में utility area है। अगेन आप उस एरिया को एज अ वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं एंड आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान भी वहां पे स्टोर कर सकते हैं। सो वी हैव सीन द 3 major parts ऑफ दिस हाउस। नाउ लेट मी टेक यू टू द बेडरूम। सो आपका डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा बेडरूम नंबर 1। एंड बेडरूम नंबर 1 इज दिस। यहाँ पर आपका रहेगा वार्डरोब का स्पेस, तो यहाँ पर आप अपनी फुल वॉल लेंथ वार्डरोब फिट करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट टू दैट इज द अटैच्ड वॉशरूम। Here is the attached washroom. यहाँ पर आपकी पूरी टाइलिंग कंप्लीट रहेगी विद ऑल दी सैनिटरी फिटिंग्स। एंड इस बेडरूम में भी आपको बालकनी एरिया मिल जाता है। इस अनदर मेजर यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द बालकनी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स। आप यहाँ पर बालकनी एरिया देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लेंथ एंड ब्रेथ में यहाँ पर बालकनी एरिया आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप सिटिंग एरिया बना सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर इवनिंग टाइम विद अ कप ऑफ टी ओवर हियर इन दिस अमेजिंग बालकनी। एंड इसी बालकनी से मैं आपको बेडरूम नंबर 2 में भी ले सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ कॉमन बालकनी। सो लेट्स गो इनसाइड बेडरूम नंबर 2। And guys, this is your bedroom number 2. Size of this bedroom is very amazing. And यहाँ पर आपका रहेगा बालकनी एरिया में बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगी आपकी अटैच वॉशरूम सारी फिटिंग्स के साथ आपको ये मिलेगी। And here is the space for your wardrobe. And इस रूम के हम बाहर चले तो इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। And this is the master bedroom. Again, आपका यहाँ पर रहेगा वार्डरोब का स्पेस। दिस साइड इज द कॉमन वॉशरूम जिसे कि आप बेडरूम नंबर 3 एंड बाहर के एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस बेडरूम में भी आपको बालकनी मिल रही है। आपने देखा होगा तीनों बेडरूम्स के साथ आपको बालकनी की कनेक्टिविटी मिल रही है, बालकनी इज अटैच्ड मिल रही है। एंड दिस वन इज अ प्राइवेट बालकनी ऑफ द थर्ड बेडरूम। अगेन काफी अच्छे स्पेस में काफी डिसेंट साइज में आपको ये बालकनी मिल रही है। So guys, that was all about our today's project Fusion the Brook and Rivoli. आपको ये apartment कैसा लगा? आपको हमारा आज का project कैसा लगा? Comments करके हमें जरूर बताइएगा। And अगर आप यहाँ पर invest करने का अपना मन बना चुके हैं, मैं आपको कुछ और points बता देती हूँ, कुछ इस project की USPs बता देती हूँ, जिसके बाद में भी आप और ज़्यादा sure हो जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि टेरेस गार्डन का है, जो कि यहाँ के नियर सराउंडिंग में कोई और दूसरा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ रहा है। तो ये एक जो यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, काफी ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं ये। एंड सेकंड थिंग इज माइवान कंस्ट्रक्शन, माइवान फ्रेमवर्क से पूरी यहाँ की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। फ्री साइड आपका ओपन प्लॉट है, दैट मीन्स प्रॉपर आपकी क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। कोई भी अपार्टमेंट एक कंजेस्टेड फील बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। एंड सभी के सभी आपके अपार्टमेंट इधर या फिर वो रोड फेसिंग रहेंगे या फिर आपके वो इंटरनल लैंडस्केप को फेस करेंगे, पार्क को फेस करेंगे।
उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सीलिंग हाइट काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है, 10.2 की आपको सीलिंग हाइट यहाँ पर मिल रही है। प्लस ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है विद टावर हाइट ऑफ 24 फ्लोर्स ओनली, एंड सभी के सभी आपके अपार्टमेंट वास्तु फ्रेंडली अपार्टमेंट्स रहेंगे। एंड नियर नेबरहुड की मैं अगर बात करूँ तो इतने प्रीमियम अपार्टमेंट्स आपको इस रीजनेबल रेट्स में नहीं मिल रहे हैं, तो ये इकलौता एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको काफी प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट दे रहा है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट्स में। एंड नियर बाय में आपको बहुत ही अच्छा नेबरहुड मिल जाता है, कमर्शियल बेल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है प्रोजेक्ट के सामने, साथ ही साथ डेटा सेंटर वो आपका विद इन 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, एंड 4 मेजर स्कूल्स भी आपको 2 to 2.5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ मिल रहे हैं। सो दैट मीन्स आने वाले टाइम में काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, नेबरहुड बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको काफी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 81 लाख। एंड गाइस, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में आ चुके हैं, आपको वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियोस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।